नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएफसी टाइम्स और बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बारे में। बिग बॉस में इस समय नॉमिनेशन चल रहा था और नॉमिनेशन के बाद वोटिंग भी स्टार्ट हो गई। वोटिंग के हमने बीच बीच में आपको अपडेट दी और उन अपडेट में कुछ लोग ऊपर हो रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे और कुछ लोग अपनी जगह पे ज्यों का त्यों बने थे और वोटिंग हो रही थी। 10 बजे आज वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड आ चुका है। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड की कौन सबसे ऊपर रहा और कौन इस बार घर से बाहर होने वाला है। तो इस बार जो सबसे ऊपर नंबर पर है हम वहां से शुरुआत करेंगे, बाकी वीडियोस में हम नीचे से बताते थे, इस बार ऊपर से बता रहे हैं। जो सबसे ज्यादा जिसको वोटिंग हुई है वो है विशाल पांडे। विशाल पांडे को अच्छी खासी वोटिंग हुई है और उसके पीछे कारण ये भी देखा जा रहा है कि लव कटारिया नॉमिनेट नहीं है और लव कटारिया की जो फैन फॉलोइंग है, जो एल्विस के फैन फॉलोइंग है, उसका फायदा विशाल को मिला है और बहुत अच्छी खासी वोटिंग विशाल को देखने को मिल पा रही है। दूसरे नंबर की हम बात करें तो दूसरे नंबर पर सना मकबूल खान है, इनको वोटिंग हुई है। शुरुआत से सना मकबूल ने दूसरे नंबर पर स्थान बना के रखा हुआ था और क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में भी सना मकबूल खान दूसरे स्थान पर ही रही हैं। अच्छी खासी वोटिंग हुई और इसका कारण बताया जा रहा है कि जो यूपी का, जो यूपी बिहार वाला जो शिवानी का जो फॉलोअर था, उसने सना मकबूल को अच्छी वोटिंग करी है, क्योंकि शिवानी की फ्रेंड है सना मकबूल, वहां पे अच्छी बॉन्डिंग इनकी देखी जा रही है और शिवानी नॉमिनेट नहीं है तो सिंपल सी बात है कि सना मकबूल को अच्छी वोटिंग हुई है। तीसरे नंबर की बात करें तो क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड में अरमान मलिक तीसरे नंबर पर रहे हैं। पहले पांचवें नंबर पर थे, बीच में तीसरे पे आए थे और लास्ट में क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड पे भी तीसरे नंबर पर इनको देखने को मिला है कि अरमान मलिक तीसरे नंबर पर है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी पत्नी घर से बाहर जा चुकी है, पहली पत्नी, और वो वोटिंग की अपील कर रही है और वोटिंग अपील का फायदा मिला है कि अरमान मलिक तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर साई केतन राव हैं, जो कि जिनको चौथे नंबर की वोटिंग हुई है। फिल्म एक्टर हैं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और ये मराठी पे भी फिल्म में एक्टिंग करी है इन्होंने, तो उसका भी इनको फायदा मिल जाता है। तो इस तरीके से साई केतन राव की चौथे नंबर पर है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये जो चार या कंटेस्टेंट हैं लगभग ये सेफ जोन में जा चुके हैं, इनमें से तो कोई बाहर होने वाला नहीं है। देन अगेन पांचवें नंबर की बात करें तो रणवीर सौर्य पांचवें नंबर पर हैं, जो कि काफी टाइम तक तीसरे नंबर पर भी वोटिंग के रहे थे। देन अगेन छठवें नंबर पर हैं सना सुल्तान, सना सुल्तान छठवें नंबर पर हैं, सना सुल्तान और सातवें और आठवें नंबर वाले के ऊपर जो है कांटा शायद जो रहेगा बिग बॉस का, इनमें तीनों में से कोई बाहर होगा, लेकिन सबसे कम वोटिंग के आधार पर देखा जाएगा तो नीचे वाले जो बॉटम टू हैं उनमें से कोई एक घर से बाहर जाएगा। अगर बिग बॉस किसी तरीके का टास्क वगैरह रखते हैं या बाहर वाले को कोई किसी भी तरीके की कटारिया को पावर देते हैं कि आप इस तरीके से मतलब कोई भी टास्क लेकर के किसको बाहर करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि बॉटम वाला बच जाए, लेकिन ऐसा मुश्किल देखा जा रहा है क्योंकि बहुत लंबे समय से बस्ते चली आ रही हैं, तो उनका जाना तय है। तो आप समझ चुके होंगे किसकी बात कर रहे हैं। तो सना सुल्तान तो छठवें नंबर पर है और सातवें पर दीपक चौरसिया हैं। बात करें आठवें नंबर पर तो आठवें नंबर पर हैं आपकी मोनिशा खाटवानी। मोनिशा खाटवानी को ना के बराबर वोट मिले हैं, बिल्कुल वोट मिले ही नहीं, बहुत गिनती के वोट मिले हैं, उससे ज्यादा दीपक चौरसिया को अच्छी खासी वोटिंग हुई है जो कि सातवें नंबर पर है। तो इस बार आप मान लीजिए कि मोनिशा खाटवानी का घर से बाहर जाना तय है अगर वोटिंग के आधार पर देखा जाए। बाकी देखते हैं कि वीकेंड के बारे में क्या करते हैं अनिल कपूर और किस तरीके से बिग बॉस किसको घर से बाहर करने वाले हैं। वैसे मेरा मानना है कि मुनीसा घर से बाहर जाएंगे और अगले हफ्ते सना सुल्तान या दीपक चौरसिया में कोई एक जाएगा बाहर, क्योंकि सना सुल्तान भी कुछ खास करती नजर नहीं आ रही है, बस साई केतन के पास थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करती है। अगर किसी भी यहाँ पे जो फीमेल कंटेस्टेंट है उनकी बात की जाए तो किसी के पास यहाँ पे सना सुल्तान की बॉन्डिंग अच्छी नहीं देखने को मिल पा रही है। शुरुआत में देखा गया था कि उस समय पौलमी दास के साथ इनकी कुछ बॉन्डिंग दिख रही थी, लेकिन इस समय किसी भी कंटेस्टेंट के साथ इनकी बॉन्डिंग नहीं दिख पा रही है। तो ओवरऑल दीपक चौरसिया या मोनिशा खाटवानी में कोई घर से बाहर जाएगा, हमारा तो मानना है कि मोनिशा को ही बाहर करना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, किसे चाहते हैं कि घर से बाहर इस वीक कर दिया जाए, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।